संडे के दिन मोटू और पतलू घर से बाहर आते हैं और मोटू पतलू से कहता है कि चलो आज पिकनिक पर चलते हैं। तो पतलू बोलता है ठीक है चलो, झटका और घसीटा राम को भी साथ ले चलते हैं। और कुछ घंटे बाद वे लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वे लोग एक जंगल में जा पहुंचते हैं और एक अच्छी जगह देखकर वहां पर पिकनिक मनाने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद मोटू और घसीटा राम के बीच आपसी नोकझोंक हो जाता है, जिसके कारण मोटू नाराज होकर वहां से चला जाता है। चलते चलते मोटू कहीं अनजान जगह पर जा पहुंचता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वह कहां आ गया है और वह जंगल में भटक जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर रात हो जाती है और एक भूत उसके सामने में आ जाता है। मोटू बहुत डर जाता है कि यह कौन है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो इस पर भूत बोलता है कि मैं जंगल वाला भूत हूँ, जो भी जंगल में आता है मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूँ, अगर उनमें से कोई 2 सवाल का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, अगर 2 का गलत दे देता है तो मैं उसे मार कर खा जाता हूँ। मोटू और डर गया। तो भूत ने कहा अब तुम मेरे सवालों का आंसर दोगे, अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तो मोटू थोड़ी सी हिम्मत करके बोलता है कि ठीक है तुम अपना सवाल पूछो। तो भूत अपना पहला सवाल पूछता है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है। तो फ्रेंड्स क्या आप इस पहेली का आंसर बताने में मोटू की मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आपका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़ी देर सोचने के बाद मोटू इस पहेली का आंसर बताता है कि सपना होगा जो अंधा व्यक्ति भी देख सकता है। तो भूत बोलता है कि बिल्कुल सही जवाब है और वह दूसरा सवाल पूछता है कि बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मनुष्य एक बार खाने के बाद उसे दोबारा नहीं खाना चाहता है। तो दोस्तों क्या आप इस पहेली का आंसर बताने में मोटू की मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आपका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करें। तो इस पहेली का सही आंसर है धोखा, जिसे मनुष्य एक बार खाने के बाद उसे दोबारा नहीं खाना चाहता है। लेकिन मोटू इस पहेली का आंसर नहीं दे पाता है तो भूत अपना अगला सवाल पूछता है, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मी हो या सर्दी हमेशा ठंडी रहती है। तो मोटू इस पहेली का भी आंसर सोचने लग जाता है। तो क्या आप इसका आंसर बताने में मोटू की मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर है बर्फ, जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा ठंडी रहती है। तो मोटू इस पहेली का भी गलत आंसर दे देता है तो भूत उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इधर पतलू और उसके दोस्त लोग यह सोचकर घर चले आते हैं कि मोटू भी घर चला गया होगा। जब पतलू घर पहुंचता है और वह मोटू को घर में नहीं पाता है तो वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मोटू कहाँ गया होगा। तभी उसे ख्याल आता है कि मोटू को जरूर उस जंगल वाले भूत ने पकड़ा होगा। वह तुरंत रात को ही उस जंगल वाले भूत से लड़ने और मोटू को बचाने के लिए वह निकल जाता है। चलते चलते पतलू उस जंगल में जा पहुंचता है और मोटू को आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वह जंगल वाला भूत वहां पर आ जाता है। पतलू उसे देखकर बहुत डर जाता है। पतलू को समझ में आ जाता है कि शायद यही जंगल वाला भूत है। तो जंगल वाला भूत उससे कहता है कि मैं तुमसे 3 पहेलियाँ पूछूंगा, अगर उनमें से तुमने 2 का सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें जानू दूंगा, और अगर तुमने 2 के गलत जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो पतलू बोलता है कि ठीक है तुम अपना सवाल पूछो। तो भूत अपना पहला सवाल पूछता है, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खा सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप पतलू को इसका आंसर बताने में उसकी मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आपका आंसर हमें कमेंट करें। तो फ्रेंड्स इस पहेली का सही आंसर है कसम। कसम को हम खा सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। तो पतलू इसका सही आंसर बता देता है तो भूत अपना अगला सवाल पूछता है, बताओ कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा बार कौन सा शब्द बोलता है। तो फ्रेंड्स क्या आप इस पहेली का आंसर बता सकते हैं? तो इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आपका आंसर हमें कमेंट करें।
तो फ्रेंड्स, इस पहेली का सही आंसर है अपना नाम। अब मनुष्य अपने जीवन काल में सबसे अधिक बार बोलता है, तो पशु इस पहेली का भी सही आंसर बता देता है। तो भूत अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछता है, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते। तो पतलू इसका आंसर सोचने लग जाता है। तो क्या आप इसका आंसर बताने में पतलू की मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपका आंसर हमें कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इस पहेली का सही आंसर होगा परछाई, जिसे हम देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते हैं। तो पतलू इस पहेली का भी सही आंसर बता देता है। तो भूत उसे कुछ नहीं करता है और वहां से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।